तो दोस्तों मैं आज ये जो ऑटो डिंकर है ये एक्चुअली ऑटो डिंकर की तरह काम करता है, यह कि बहुत ही लो कॉस्ट है। 1000 बार्स में आपका खर्चा होगा कि 4000 के आसपास, मतलब निपिल पे लगाया जाता है। और ये प्लैग एंड प्ले सिस्टम है, मतलब किसी के फार्म में अगर निपिल डिंकर ऑलरेडी है तो ये डिंकर लेने से इधर उधर करके दो चार, जैसे कि मैंने लगा दिया यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ठो लगा दिया, वहाँ पे एक ठो लगा दिया, तो जितना सारे चीक्स है वहीं पे पानी पीने के लिए जाएगा क्योंकि वहाँ पे पानी जम के रहता है। और ये एक्चुअली काम करता है, ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे जैसे पानी इसमें भर जाता है तो ये जो ड्रिंकर है ये बंद हो जाता है, पानी गिरने का जो चांस है वो भी कम होता है। ये है आपका ऑटो ड्रिंकर का सेट, जहाँ पे जो चिक्स का एवरेज ग्रोथ आप देख सकते हो कैसा है। और मैं अभी आपको इसी वीडियो में इसके साथ ही मैं अटैच करने वाला हूँ निपिल ऑटो ड्रिंकर का रिजल्ट, वो कैसा है। और दोस्त यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लीटर थोड़ा सा गिला गिला हो गया, एक्चुअली ये जो ड्रिंकर है इसको थोड़ा बहुत हिलाने से ही पानी गिर जाता है, तो इमीडिएटली लीटर जो है 26-27 दिन में वो खराब हो जाता है। तो उसके बाद लीटर अगर खराब हो जाएगा तो चिक्स को पालना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं फार्मर्स के लिए। और यहाँ का जो चिक्स का एवरेज सिचुएशन आप देख पा रहे हैं कि कैसा है, और आपको अभी अभी मैं ड्रिंकर का दिखा, जो बड़ा वाला ड्रिंकर एक्चुअली वहाँ पे चिक्स का ग्रोथ इससे मुकाबला थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पे सफिशियंट उसको पानी मिल रहा है। और लीटर का क्वालिटी आप देख पा रहे हैं कि अभी भी सूखा सूखा लीटर, क्योंकि पानी फेंकने का चांस यहाँ पे कम रहता है। और क्यों कम रहता है मैं आपको पहले एक बार दिखा दूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लीटर एकदम साफ सुथरा लीटर है। और यहाँ पे आपको मैं ये बता दूँ कि ये जो ड्रिंकर आपको इंस्टॉल किस तरह से करना है, ये एक्चुअली फ्लैग एंड प्ले सिस्टम है। और यहाँ पे पानी 25% ही जमा करके आपको रखना है, ज्यादा नहीं। और पानी को आप किस तरह से मेंटेन कर पाओगे, ये जो आप निपिल का बीट देख पा रहे हो इसको घुमा के आप पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन कर सकते हो। और यहाँ पे पानी गिरने का चांस भी बहुत ही कम रहता है क्योंकि यहाँ पे 25% अगर आप पानी इसमें जमा रखने के लिए सोचोगे तो इसमें चाहे चिक्स अगर थोड़ा बहुत इसको धकेले तो फिर पानी उछल के नहीं गिरेगा। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक बूंद भी पानी नहीं आया, और यहाँ का जो लीटर है आप देख पा रहे हो कि एकदम साफ सुथरा लीटर है, ऐसा नहीं कि कोई इसमें गिला गिला। तो इस तरह से ये जो ड्रिंकर है ये बहुत ही बढ़िया, और ये एक्चुअली 1000 बार्स के हिसाब से आपका खर्चा आएगा 4000 के आसपास। जो भी किसी भी अलग ड्रिंकर अगर आप खरीदोगे 1000 बार्स के लिए तो उसमें खर्चा आ जाएगा 7000-8000, तो ये भी बहुत लो कॉस्ट है। और पानी वेस्टेज होने का चांस भी बहुत ही कम रहता है, यहाँ पे धोने का जो काम चल रहा है बहुत ही पानी ही इसमें वेस्टेज होता है। तो इस तरह से सुबह में एक बार कर देने से इसको दो बार आप कर सकते हो, लेकिन दो बार करने का उतना दरकार नहीं है क्योंकि ये जो ड्रिंकर है ये थोड़ा बहुत हाइट में रहता है तो उसमें गंदगी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चिक्स के लिए क्योंकि वहाँ पे पैर नहीं दे पाता ये जो ड्रिंकर है इसमें। किसी के पास अगर निपिल ड्रिंकर है तो थोड़ा बहुत करके इधर उधर करके लगा दीजिए, और कोई अगर नया बनाने के लिए सोच रहे हैं तो उसको मैं डेफिनेटली यही सजेस्ट करूँगा कि ये जो ड्रिंकर है ये ड्रिंकर आपको डेफिनेटली लगाना चाहिए। तो आई बटन में वीडियो लिंक दे दूँगा कि किस तरह से ये जो ड्रिंकर है इसको मैंने इंस्टॉल किया, आप भी कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्त आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्म भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।